दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर रहे थे और बद्रीनाथ धाम में ऊपर हिमालय पर्वत की ओर ट्रैक किया हमने, जहां हमने नीलकंठ पर्वत और भगवान बद्रीनाथ की चरण पादुकाओं के दर्शन किए। आज की इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ से माना गांव की ओर लेकर चलते हैं, पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे और माना गांव आपको घुमाएंगे, साथ ही साथ वसुधरा वाटरफॉल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं बद्रीनाथ से माना गांव। दोस्तों बद्रीनाथ से माना गांव के बीच की दूरी मात्र 4 से 5 किलोमीटर है। ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं ये वही रास्ता है जो बद्रीनाथ से माना गांव की ओर जाता है। ये बेहद खूबसूरत रास्ता है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा ही रास्ता आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप बद्रीनाथ से माना गांव की ओर जाते हैं। बेहद सुंदर अल्टीमेट नज़ारे आपको इस रास्ते पर देखने के लिए मिलेंगे। रोड की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर बाइक या अपनी खुद की कार चलाने का भी रिस्क बेहद कम है, क्योंकि रोड लगभग प्लेन है, ऑलमोस्ट काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग पहुँच चुके होते हैं, तो ऐसे में दूसरी साइड में गहरी खाई हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर हमें कुछ जगह ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ गहरी खाई होती है, अदरवाइज़ ज़्यादा ऐसे खतरनाक पॉइंट आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये जगह भारत की बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है। नज़ारे आपके सामने हैं, आप खुद इन व्यूज़ को निहार सकते हैं। बद्रीनाथ से माना गांव के बीच का ये 4 से 5 किलोमीटर का सफर बहुत एडवेंचर से भरा रहता है। कुछ जगहों पर आपको वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे, जैसा हमारे सामने है ये एक वाटरफॉल जो एक बरसाती नाले के रूप में यहाँ बहता है। इसका पानी रोड के ठीक ऊपर से होकर निकलता है, तो यहाँ से निकलने का एडवेंचर भी बहुत ही शानदार रहता है। ये 4 किलोमीटर का सफ़र बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत रहने वाला है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक लाते हैं, कार लाते हैं, तो आप इनसे भी आसानी से जा सकते हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप बद्रीनाथ से शेयर टैक्सी के थ्रू या पर्सनल टैक्सी बुक करके भी माना गांव तक आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। कुछ इस तरह की वाटर क्रॉसिंग आपको 2 बार देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है, जो आपके इस टूर को एडवेंचर से भर देगी। कुछ लोग जो अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आते हैं वो इस दूरी को 4 से 5 किलोमीटर की इस दूरी को पैदल भी तय कर लेते हैं, और अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो पैदल भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको नहीं होगी। रास्ता लगभग प्लेन है और आप आसानी से 45 मिनट से लेकर 1 घंटे में आसानी से इस दूरी को तय कर सकते हैं। आप व्यूज़ को एंजॉय करते जाइए और आसानी से आप माना गांव पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि माना गांव का बोर्ड सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक ये रास्ता जहाँ ये ट्रक चल रहा है, ये रास्ता जाता है माना पास की ओर। यहाँ नॉर्मल आम पब्लिक को जाने की अनुमति नहीं होती है, एक स्पेशल परमिट बनवाने के बाद ही आप ऊपर जा सकते हैं। हम जा रहे हैं माना गाँव के अंदर, व्यू आपके सामने है, आप देखिए कितने ज़्यादा सुंदर नज़ारे हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं, अल्टीमेट व्यू। बद्रीनाथ अगर आप आते हो, बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने आते हो, तो इस जगह को मिस कभी मत करिएगा, यहाँ जरूर आइएगा। आप कभी भी आइए यात्रा करने, लेकिन यहाँ जरूर आइएगा। माना गांव में एंट्री लेने से पहले अगर आप पर्सनल कार या बाइक लाते हैं तो आपको यहाँ एक
पर्ची कटानी होती है जो बेसिकली पार्किंग का शुल्क है। बाइक वालों से ये 10 रुपये चार्ज करते हैं और कार वालों से 20 से 30 रुपये चार्ज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर्ची कटाई, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। माना में कोई पार्किंग अलग से नहीं बनाई गई है, रोड साइड ही पार्किंग है, तो रोड पर ही हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद हम माना गांव को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पार्किंग के पास का ये नज़ारा आप देखिए, बेहद खूबसूरत व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। इन व्यूज़ को देखने के लिए ही लोग बद्रीनाथ यात्रा के बाद माना गांव घूमने के लिए आते हैं। माना गांव में क्या क्या है वो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे, तो अभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। ये है माना गांव में एंट्री लेने का मेन गेट। कुछ इस तरह से एंट्री होती है माना गांव में। आसपास में कुछ दुकानें बनी गई हैं। बाइक तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाती हैं लेकिन कार आप यहाँ तक नहीं ला सकते हैं। सामने लिखा हुआ है भारत के आखिरी गांव माना में आपका हार्दिक स्वागत है। इसको आखिरी गांव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है। इसके ठीक बाद चीन स्टार्ट हो जाता है। कुछ पतली पतली सी गलियां हैं, सामने एक बहुत सुंदर सा मंदिर मौजूद है और यहाँ पर इन्हीं पतले पतले रास्तों से होकर आपको गुजरना होगा। सीज़न के समय, यात्रा के समय यहाँ बहुत भीड़ रहती है और सामने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर किन किन जगहों पर दर्शन करने आ सकते हैं, किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी और हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। माना गांव की समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट से भी ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको खूबसूरत खूबसूरत से व्यूज़ दिखाते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पूरी एरिया माना गांव का है। इस तरह की छोटी छोटी यहाँ पर शॉप बनी हुई हैं, आप चाहें तो कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। वूलन कपड़े आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, वूलन क्लॉथ्स की शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ की स्थानीय एक चाय है उसकी खरीदारी कर सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। ये पतला सा रास्ता है जो माना गांव का है। यहाँ इस पॉइंट पर ये दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। राइट वाला रास्ता हमें व्यास गुफा और गणेश गुफा की ओर ले जाता है और लेफ्ट वाला रास्ता भीम पुल और सरस्वती नदी के स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें लेकर जाएगा। फिलहाल हम राइट हैंड वाले रास्ते पर जा रहे हैं और यहाँ से हम गणेश गुफा और व्यास गुफा देखेंगे, उसके बाद हम यही रास्ता आगे लेफ्ट वाले रास्ते से कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं छोटा सा बेबी जो यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति का ही है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर आते हैं, बद्रीनाथ धाम में दर्शन करते हैं, तो माना गांव को मिस मत करिएगा, यहाँ जरूर आइएगा। देखिए हम पहुँच चुके हैं गणेश गुफा पर और ये एक वो जगह है जहाँ पर महाभारत का लेखन हुआ था। चलिए इस मंदिर में भी आपको लेकर चलते हैं। ये गणेश जी भगवान को समर्पित मंदिर है और यहाँ पर एक गुफा भी मौजूद है जिसे गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। यह वो मंदिर है माना गांव में स्थित। और ये है एक छोटी सी गुफा जो ठीक मंदिर के पीछे से बनाई गई है, या कह सकते हैं कि मंदिर की परिक्रमा करने के लिए एक गुफा के रूप में इसको तैयार किया गया है। चलिए मंदिर में भी आपको एक बार दर्शन करा देते हैं गणेश जी भगवान के। ये वो जगह है जहाँ व्यास द्वारा लिखी गई पुराणों और महाभारत को भगवान गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। बहुत पुराना इस जगह का इतिहास है। चलिए अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की शानदार शानदार सुंदर सुंदर व्यूज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी हम इस गुफा से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम नीचे की ओर चल रहे हैं, यानी उस रास्ते को कनेक्ट करेंगे जो पीछे हम छोड़कर आए थे जहाँ पर डाइवर्जन पॉइंट था। अब हम उसी रास्ते पर पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लोग कुछ स्थानीय चीज़ें बेच रहे हैं। मेरे हाथ में जो पैकेट है ये यहाँ की स्थानीय चाय है जिसे ग्रीन टी यहाँ पर बोला जाता है। इसके अलावा भी कुछ दूसरी जड़ी बूटी यहाँ पर ऐसे ही बेची जाती है। 300 रुपए, 300 रुपए की डंडी, डब्बा ये है, ये डब्बा और डंडी की सीधी डंडी 10 रुपए। क्या है वो? नजर बत्ती, बाहर का बुरा नजर नहीं आएगा। चलिए अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इतने सुंदर सुंदर व्यूज को एंजॉय करते हुए हम माना गांव के एंड पॉइंट तक जाएंगे।
पतला सा रास्ता है, एक तरफ हिमालय पर्वत, हिमालय के बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने के लिए मिल रही हैं, दूसरे छोर पर सरस्वती नदी यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है। और अभी हम आगे आपको वहां तक लेकर जाएंगे जहां से सरस्वती नदी का उद्गम होता है, जहां से सरस्वती नदी की स्टार्टिंग होती है। आप देख सकते हैं कि रास्ते को जगह जगह पर काफी सुरक्षित किया गया है, रेलिंग लगाई गई है ताकि किसी भी तरह का रिस्क श्रद्धालुओं के साथ, टूरिस्ट के साथ न हो। बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ एक छोटी सी गुफा मौजूद है, जहाँ पर एक बाबा हमेशा मौजूद रहते हैं और लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। और आप देख सकते हैं ये वही गुफा है जहाँ ये बाबा बैठे हुए हैं, लोग बाग यहाँ आते हैं, फोटो भी इनके साथ खिंचाते हैं। और बाबा जी ने यहाँ लिखा हुआ है कि बाबा कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लोग अपनी श्रद्धा से उन्हें दान देते हैं। चलिए अभी हम पहुँच चुके हैं माना गाँव के एंड पॉइंट पर। सामने आप जो देख पा रहे हैं ये है सरस्वती नदी, उन पहाड़ों के बीच से निकल रही है, बहुत विकराल रूप में आप देख पाएंगे सरस्वती नदी का यहाँ पर रूप, वरना सरस्वती नदी का ऐसा रूप आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ से सरस्वती नदी ये निकल रही है और ये नदी थोड़ा आगे जाने के बाद ही अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती है, यानी सरस्वती नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से उसका उद्गम होता है और थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही अलकनंदा नदी में संगम हो जाता है। सामने आप देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया, और यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान भी हमें देखने के लिए मिलेगी। और ये जो रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है ये वसुधरा वाटरफॉल की ओर जाता है, उन सभी जगहों पर आपको लेकर चलेंगे। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये है वो रास्ता जो वसुधरा वाटरफॉल की ओर जाता है, और ठीक इसके राइट हैंड पर इधर सरस्वती मैया का मंदिर मौजूद है और हिंदुस्तान की अंतिम और सबसे पुरानी चाय की दुकान मैगी पॉइंट भी यही है, वहां भी आपको लेकर चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सरस्वती टेंपल, प्राचीन सरस्वती मैया का टेंपल यहां पर मौजूद है। पहले आपको वो मंदिर दिखाएंगे, फिर सामने मौजूद हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सरस्वती मैया की मूर्ति दर्शन हम कर सकते हैं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ नहीं ले जा पाएंगे। और इधर उनके राइट हैंड पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान हमें देखने के लिए मिलती है, यही सबसे प्राचीन अंतिम दुकान है। इसके अलावा अभी और भी नई दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं, सबसे पुरानी यही है जो ठीक सरस्वती नदी के बराबर में और सरस्वती मैया के मंदिर के बीच में, यानी मंदिर और नदी के ठीक बीच में स्थित है। यहाँ पर भारत का झंडा भी लहर रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत अल्टीमेट जगह है, जरूर आइएगा, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो आप नदी के ऊपर पत्थर देख पा रहे हैं ये पांच पांडवों में से भीम ने यहाँ पर रखे थे, पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आके वसुधरा वाटरफॉल की ओर चलते हैं। ये जो ट्रैक देख रहे हैं पथरीला सा ट्रैक है, इस ट्रैक को पूरा करना होगा हमें, और ऊपर कुछ ही दूरी पर वसुधरा वाटरफॉल मौजूद है। यहाँ से भी व्यूज बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि हम वसुधरा वाटरफॉल तक पहुंच चुके हैं, बहुत ऊंचाई से ये वाटरफॉल यहाँ से पानी गिरता है, जिसकी वजह से बहुत दूर दूर तक पानी की बूंदें बौछारों के रूप में उड़ती रहती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अल्टीमेट जगह है, मस्ट विजिटिंग प्लेस। कहने का मतलब ये है कि चारों धाम में अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के साथ साथ आप बहुत सारी जगहों पर घूमने जा सकते हैं, उनमें से एक है माना विलेज, वसुधरा वाटरफॉल, इन सभी जगहों पर आप जरूर आइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा, आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।